अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर काशिफ़। क्या हाल है आपके? माजी में ये ख्याल किया जाता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से ज़ख़म बनते हैं, लेकिन अब रिसर्च ने ये साबित किया है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एच पायलोरी इन्फेक्शन और लंबे अरसे तक पेन किलर्स का इस्तेमाल भी स्टमक के अंदर अल्सर्स डिवेलप करता है, ज़ख़म बनाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, इनसे परहेज़ करें। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी हैं कि जिनको खाना चाहिए, जिनसे परहेज़ करना चाहिए। सो उन स्लाइड्स को फॉलो करें, उनके ऊपर अमल करें, सो दैट कि आपके स्टमक के अंदर बनने वाले ज़ख़म जल्द अज़ जल्द हील हों। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।